नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके सामने ला रहे हैं एक खास मुलाकात। 23 मार्च 1931, कौन हिंदुस्तानी ऐसा है जो नहीं जानता है ये शहादत दिवस है भगत सिंह का। अभी कुछ दिनों से एक खास किस्म की राजनीति चल रही है भगत सिंह के लेगेसी को लेकर। हम उसके बारे में बात करेंगे और भगत सिंह के सोच विचार और उनका आज के भारत में क्या उनका रेलेवेंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए इस खास मुलाकात में है हिंदुस्तान के बहुत ही जाने माने इतिहासकार एस इरफान हबीब, जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब भी लिखी है भगत सिंह, एक तरह से हिंदुस्तान की हिस्टोरियोग्राफी में एक बहुत मेजर किताब के तौर पर मानी जाती है। इरफान भाई, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि 23 मार्च के समय आप बहुत बिजी होते हैं, आप अलग अलग कॉलेजेस में जाते हैं और जाके आज के युवा पीढ़ी को जाके भगत सिंह के बारे में समझाते हैं, तो अपना इस बिजी शेड्यूल में समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। मैं शुरुआत करूंगा आपसे बातचीत आज के खास कॉन्टेक्स्ट में। पिछले कुछ दिनों से एक खास किस्म की पॉलिटिक्स ऑफ अप्रोप्रिएशन देखी जा रही है भगत सिंह को लेगेसी के लेके। ये कहा जा रहा है, खास तौर से हमारे जो संघ परिवार के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उनके इतिहासकार तो नहीं बोलेंगे, उनके जो पब्लिसिस्ट अपने आप को इतिहासकार बताते हैं, उनके हिसाब से हिंदुस्तान के जो प्रगतिशील इतिहासकार रहे हैं अब तक, उन्होंने हिंदुस्तान में कांग्रेस के अलावा किसी और नेशनल मूवमेंट के स्ट्रीम को देखा ही नहीं है। उन्होंने टोटली रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का जो स्ट्रीम था उसको उन्होंने इग्नोर किया, और जिसमें वो लोग भगत सिंह को भी ऐड करते कि भगत सिंह को भी बिल्कुल भुलासा दिया गया है। वो भूल जाते हैं कि आप जैसे इतिहासकारों ने बहुत महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं, बहुत फिल्में भी बनी हैं, बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ किया गया है। एक तरह से हमारे कल्चर और संस्कृति में ये अनिवार्य हिस्से रहे। तो हम बातचीत शुरू करते हैं कि आपको क्यों लगता है कि आज के तारीख में ये पॉलिटिक्स ऑफ अप्रोप्रिएशन हमको देखा जा रहा है उन लोगों द्वारा जिन्होंने कभी हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन में कभी शामिल नहीं हुए। देखिए, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे वो बताना चाहिए कौन वो लोग हैं, नहीं, सब और उनको ये क्यों करना पड़ रहा है। और उनको इसलिए करना पड़ रहा है ये, क्योंकि वो जानते हैं कि भगत सिंह की विचारधारा से उनका दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। भगत सिंह के विचार उनकी विचारधारा, उनकी अपनी सोच से बिल्कुल परे हैं, बिल्कुल दूर हैं। और क्योंकि उनको हीरोज की तलाश है, उनके पास अपने हीरोज नहीं हैं, और भगत सिंह एक ऐसा हीरो है जो गांधी जी के बाद, महात्मा गांधी के बाद, अकेला हीरो है जो अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम एक्सेप्टेबल है। अफसोस की बात यह है कि ये एक्सेप्टेबिलिटी सिर्फ शहादत और राष्ट्रवाद तक है। जी, भगत सिंह की विचारधारा की जब बात आती है, तब ये लोग जो आज बढ़ के बात कर रहे हैं कि भगत सिंह की बात नहीं की जाती, जो झूठ है, जो सच नहीं है, जो ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। मैंने खुद 2 किताबें लिखी हैं जी, और मेरे अलावा मुझसे पहले बहुत लोग लिख चुके हैं, बड़ी बहुत सारी जबानों में किताबें लिखी गई हैं। मेरी अपनी किताब 6 जबानों में ट्रांसलेट हुई है। तो इसलिए ये तो बिल्कुल कहना हिमाकत है कि भगत सिंह का नाम नहीं लिया जाता। भगत सिंह को याद करते हैं लोग, भगत सिंह पर रिसर्च भी लोगों ने की है, डॉक्यूमेंट्रीज बनी है और बॉलीवुड की फिल्में बनी है जो बहुत बेहुदा है ज्यादातर, लेकिन लोग याद करते हैं, चाहे बेहुदगी से याद करें, लेकिन भूलता नहीं है भगत सिंह को कोई। हमने खुद एक डॉक्यूमेंट्री बनाई इनकलाब के नाम से, जो बहुत जगह दिखाई गई है, हमने खुद बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में जगह जगह दिखाई। इसलिए ये बहुत ही रिडिकुलस बात है और हास्यास्पद बात है कि भगत सिंह पर काम नहीं हुआ। बात यह है कि भगत सिंह की विचारधारा को हम याद नहीं करते, वो अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है। अब जो कुछ लेफ्ट के लोग हैं, जो लेफ्ट भी एक नहीं है, लेफ्ट के भी अलग अलग शेड्स हैं, और आज के हिंदुस्तान में पिछले कुछ वर्षों से लेफ्ट के सभी लोग याद करते हैं, और वो याद करते हैं भगत सिंह की विचारधारा को जी। और यही एक बहुत ही उत्साहजनक बात है कि हमने कम से कम भगत सिंह की विचारधारा को
उनके उनकी जो जो वैचारिक विरासत थी उसको हमने डिस्कस करना शुरू किया। मैं आज सुबह से पानीपत में था, कम से कम 250-300 स्टूडेंट से कॉलेज में, उनके बीच में यही बात हुई कि शहादत और राष्ट्रवाद की बात करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप भगत सिंह को सिर्फ शहीद और राष्ट्रवादी कहेंगे तो वो एक अधूरा वो इनकम्प्लीट है। भगत सिंह को कंप्लीट करने के लिए आपको उनकी विचारधारा को आत्मसात करना पड़ेगा, अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा, उनकी विचारधारा को जीना पड़ेगा, जो हम नहीं करते। इरफान भाई, अपने बहुत ही छोटे से जिंदगी में भगत सिंह ने अपनी विचारधारा को पूरी तरह से, एक तरह से कहें कि विकसित कर लिया था। जरा हमको बताएंगे संक्षेप में कि उनकी विचारधारा क्या थी, और कहा अक्सर जाता है, आपने भी इसको आर्ग्यू किया कि वो मार्क्सवाद के बहुत करीब थे, उनकी सोच में मैं उनके कम्युनिस्ट थे, एथीस्ट थे, और लेनिन के बहुत बड़े मतलब वोरेशियस रीडर। बिल्कुल, देखिए मैं आपको ये शुरू ही करना चाहता हूँ कि भगत सिंह जब मार्क्सवाद से उनका ताल्लुक हुआ भी नहीं था, उन्होंने बहुत सारी चीजें अपने परिवार से ली। वो इतनी कम उम्र में, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, और आज मैंने दिन में भी ये बात कही थी कि इतनी जल्दी 23 साल की उम्र में जो आदमी चला गया जी, और 17 साल की उम्र में उस आदमी ने लिखना शुरू कर दिया, वो ये सोच कहाँ इतनी जल्दी कम उम्र में कैसे ले आया। इसका जवाब उनके परिवार से मिलता है कि उनके चाचा अजीत सिंह, उनके पिता सरदार किशन सिंह, उनके दूसरे चाचा सरदार सुरन सिंह, ये सब लोग राष्ट्रवादी थे, सब लोग बड़े एक्टिव थे। अजीत सिंह तो क्रांतिकारी थे, प्रेजेंट मूवमेंट पंजाब में बड़े लार्ज स्केल पर उन्होंने शुरू किया, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो कुछ कानून लैंड को लेकर बने थे पंजाब में, भारत माता सोसाइटी बनाई, तो ये सब उन्होंने किया। तो भगत सिंह ने परिवार में ये सब कुछ देखा, तो इसलिए भगत सिंह को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो सब विरासत में मिला और उस विरासत को उन्होंने आगे बढ़ाया जी। और वो आगे बढ़ाया पढ़ाई से, और ये मैं बार बार कहता हूं कि पढ़ाई का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, किताब का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था। तो भगत सिंह ने इतना पढ़ा अपनी छोटी सी उम्र में, और इतना समझने की कोशिश की दुनिया को, हिंदुस्तान को ही नहीं पूरी दुनिया को, और औपनिवेशिक दुनिया को, जहां औपनिवेशवाद था, जहां लोग लड़ रहे थे आजादी के लिए, उन सबको पढ़ा। तो ये सब चीजें भगत सिंह ने अपने छोटे से जीवन में हासिल की। पहला जो उनका लेख है एज ए जर्नलिस्ट, पत्रकार के हैसियत से, वो 1924 में 17 साल की उम्र में लिखा जी, जिसका टाइटल था विश्व बंधुता जी। विश्व बंधुता, आज आप पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े शहरों में G20 के नीचे आप लिखा देखेंगे वासुदेव कुटुंबकम। भगत सिंह ने इस आर्टिकल को शुरू किया वासुदेव कुटुंबकम से जी, ये आज के वासुदेव कुटुंबकम से कहीं दूर था, क्योंकि इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो इस शब्द से, इस स्लोगन से समझते क्या है, किस तरह का भारत चाहते हैं, किस तरह की दुनिया चाहते हैं, वो उन्होंने इस पूरे आर्टिकल में लिखा 17 साल की उम्र में जी। तो ये आप देखिए कि कोई व्यक्ति इतनी कम उम्र में इतने कठिन सब्जेक्ट पर 4-5 पेज का एक आर्टिकल लिख दे, उस जमाने में जब पढ़ने के लिए बहुत कम किताबें थी, आसानी से किताबें हासिल नहीं थी, उसके बावजूद लिटरेचर भी बहुत कम रहा होगा, लिटरेचर भी कम था, काफी लिटरेचर बैंड था, और क्योंकि जिस तरह का लिटरेचर ये पढ़ते थे उनमें से 50-60% तो बैंड ही था, चोरी छिपे दे हिंदुस्तान में आता था। तो उसके बावजूद उन्होंने एक मैच्योर नौजवान की और जो इंटरनेशनलिज्म की बात की अपने उस आर्टिकल में, वो बहुत ही एक वेल डेवलप्ड माइंड को दर्शाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही नहीं इंटरनेशनलिज्म ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि, और ये आज इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज ये बहुत जरूरी है, उन्होंने कहा कि वी शुड स्टॉप सीइंग अदर्स इन द सोसाइटी, अदर विद इन कोट्स, अदरिंग हमें नहीं करनी है, अदरिंग तो आज का फैशन है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 1924 में वो कह रहे हैं अदरिंग नहीं होनी चाहिए,
दुनिया में और देश में कोई स्ट्रेंजर नहीं होना चाहिए जी, कोई अजनबी नहीं होना चाहिए जी। हम अपने अपने देश अपने देशवासियों में अजनबी ढूंढते हैं आज जी। तो हम किस भगत सिंह की बात कर रहे हैं? अगर हम भगत सिंह की बात करते हैं तो भगत सिंह की भी माने, सिर्फ भगत सिंह को नहीं माने। आपने अभी थोड़ी देर पहले वो बताया कि भगत सिंह ने अपना आर्टिकल वसुदेव कुटुंबकम से शुरुआत किया था। दरअसल क्या है कि आज की जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जिनके हाथ में रेजीम है, वो लोग ये सब बातें जो हैं एक मंत्र के तौर पे बोलते हैं, उस पर विश्वास किए बगैर। बिल्कुल। मुझे एक छोटा सा और एक एडिशन करने की इच्छा हो रही है। एक और वाक्य इनके मुंह से बहुत सुनने को मिलता है, अतिथि देवो भव। The guest is a king. Yeah. लेकिन क्या हो रहा है, लंदन में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, कुछ जगह हिंदुस्तान के दूतावासों पे कुछ खालिस्तानी तत्वों ने कुछ उपद्रवी एक्शन किया, जिसकी वजह से जो नहीं होना चाहिए, जिसको हम पूरी तरह से कंडेम करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन भारतीय सरकार का रिस्पॉन्स क्या होता है कि हम टिट फॉर टैट की राजनीति में हम सिक्योरिटी विड्रॉ कर लेते हैं ब्रिटिश हाई कमीशन से, हाई कमिश्नर के रेसिडेंस से। तो ये दर्शाता है कि ये लोग जो भगत सिंह को पूछते हैं, सिर्फ भगत सिंह को नहीं, तमाम जो रिवोल्यूशनरीज हैं उनको पूछते हैं सिर्फ उनको बुत बना के अपने घर पे रखने के लिए, उनके बातों पे विश्वास नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो कोई शक ही नहीं। मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा कि आपने जिक्र किया था पंजाब में किसान आंदोलन हो रहा था, उससे भगत सिंह जुड़े थे 1920s में। हिंदुस्तान के और जगह भी छोटे मोटे किसान आंदोलन देखने को आ रहे थे। ऑब्वियसली उस हिंदुस्तान में जब कम्युनिकेशन का इतना अभाव रहा होगा, कोई हम ये नहीं कह सकते कि एक तरह से कोई कनेक्शन रहा होगा इनके बीच में, लेकिन पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में ही एक बहुत बड़े नेता थे लाला लाजपत राय, तो उनके साथ उनके इन्फ्लुएंस में कैसे आए भगत सिंह और उनसे किस तरह से इंस्पायर होते थे, जरा बताएंगे इसके बारे में? इसी लाला जी जो है वो पंजाब के और हमारे देश के बड़े नेताओं में थे। लायन ऑफ पंजाब कहा जाता था और एक बड़ा बड़ा एक व्यक्तित्व है उनका। और भगत सिंह और भगत सिंह के साथी जितने भी क्रांतिकारी नौजवान थे वो सब दे ऑल यूज्ड टू लुक अप टू हिम, तो उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन लाला जी की पॉलिटिक्स जब बदलती है, जब वो हिंदू महासभा के सभाओं में शामिल होते हैं, ज्वाइन करते हैं, उस समय भगवत जी चरण वोहरा, भगत सिंह के साथी, भगत सिंह खुद और अन्य साथी, नौजवान भारत सभा जो लाहौर में बनी थी उसके जितने सदस्य थे वो सब, उन्होंने सबने अपना विरोध व्यक्त किया, ओपनली कहा, एक पैम्फलेट निकाला लॉस्ट लीडर के नाम से लाला जी के खिलाफ, और ये बताने की कोशिश की कि हम लोग आपकी इस सांप्रदायिक राजनीति से एग्री नहीं करते, मतभेद रखते हैं, इससे हम हमारा आपका मतभेद है। लेकिन उन्हीं लोगों ने जब साइमन कमीशन के विरुद्ध जब लाला जी लीड करते हैं और अटैक होता है, मृत्यु होती है, वो ये सब लोग मिलके इसको एक अपमान मानते हैं जी, और उसका बदला लेने के लिए सॉन्डर्स की हत्या करते हैं जी। तो एक तरफ मतभेद है, वैचारिक मतभेद, और एक तरफ इज्जत है लाला जी की जी। तो उसमें ये नहीं है कि उनको उनको लाला जी की का, का, का सम्मान उनको नहीं करना था, वो करना था, उसका बदला तक लिया और अपनी जान दे दी। रेस्पेक्ट विद डिफरेंसेस, या रेस्पेक्ट विद डिफरेंस, ये आज जो हम देखते हैं, आज हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि ये सब लीडर्स में वैचारिक मतभेद थे, भगत सिंह के गांधी से, गांधी के भगत सिंह से, सरदार पटेल के नेहरू से, नेहरू के किसी और से, तो ये सब ऐसे दर्शाने की कोशिश की जाती है जैसे ये लोग आपस में लड़ रहे थे, अंग्रेजों से तो कोई और लड़ रहा था। ये लोग इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि ये लोग सोचने वाले लोग थे जी, ये लोग दिमाग रखते थे। थोड़ा सा आपने गांधी जी का जिक्र किया, आप गांधी जी और भगत सिंह के विचारों में मैं अंतर बताएंगे, क्योंकि अक्सर राइट विंगर्स के तरफ से ये कहा जाता है
गांधी जी ने तो भगत सिंह के रिहाई के लिए बात तक नहीं की, ये तो झूठ है, ये तो बिल्कुल ये झूठ अक्सर है। कहा तो जाता है। मतलब इसमें तो कोई सच्चाई है ही नहीं, क्योंकि उसके तो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जी जिसमें गांधी जी ने लेटर लिखे और अपील की। उस वक्त की जो प्रेस है उसने छापा, ट्रिब्यून में बहुत जी सारी रिपोर्ट्स हैं, तो वो तो उसमें तो कोई सच्चाई है नहीं। दूसरी बात ये है कि हम गांधी जी से उम्मीद क्यों रखते हैं, ये तो अब वही वाली वाला सवाल है जो आज ओपोजिशन से किया जाता है। उस वक्त सरकार तो अंग्रेजों की थी ना, महात्मा जी गांधी की सरकार थोड़ी थी। महात्मा गांधी ने अपील की लेकिन नहीं मानी गई, और वो अपील जब की गई वो हम जानते हैं, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं आर्काइव्स में, रिकॉर्ड है मौजूद है। तो उस बात को ना माना जाना, उसके लिए आप गांधी को रिस्पॉन्सिबल कैसे ठहराएंगे? तो ये तो एक एक हिमाकत वाली बात है, वो सवाल ही नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को एक प्रेसिडेंट सेट नहीं करना था। वो जानते थे कि ये इन्होंने जो जो उनके हिसाब से जो क्राइम किया है वो ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ क्राइम है, जी और वो एक प्रेसिडेंट हो जाएगा अगर वो उसको उसको एक्सेप्ट करते हैं और उनको माफी देते हैं। तो वो अपने इंटरेस्ट में जाने के चाहते थे, वो करें जो उनको सूट करता है। हमें ये समझाने की कोशिश करिए कि भगत सिंह एक छोटे ही समय के लिए, करीब 8-10 वर्ष के लिए, बहुत ही एक मीटियोर की तरह हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में आए, एक बिल्कुल ब्राइट लाइट की तरह, और ऊपर से फेड आउट हो गए, लेकिन उनका इम्पैक्ट जरूर नेशनल मूवमेंट पे रहा होगा। वो बिल्कुल किस तरह बिल्कुल का इम्पैक्ट था उनका? इम्पैक्ट उनका रहा। इम्पैक्ट देखिए, आप अगर आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब महात्मा गांधी का जी स्टार्ट होता है, सभी ने जी अवज्ञा आंदोलन 1930-31 में, हाँ, उसी समय में तो उनकी उस पीरियड, उनका वो पीरियड है। जो हाँ हाँ, उस वक्त भगत सिंह और शहादत उसी समय होती है। भगत सिंह के साथी, उनका पीक जी है ये पीरियड। पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उस वक्त के जो रिकॉर्ड जी हैं आर्काइव्स में और उसकी न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आप उस वक्त के पढ़ें तो आपको पता जी चलेगा कि पूरा पूरे नौजवान इस क्षेत्र में नौजवान भारत सभा के साथ थे, जी बड़ी तादाद में। जो कांग्रेस की मीटिंग्स होती थी उनमें लोग कम आते थे। अल्टीमेटली ये फैसला हुआ कि ज्वाइंट मीटिंग्स की जाए नौजवान भारत सभा के साथ। तो आपको बहुत सारी एविडेंस मिलेगी उस वक्त की रिपोर्ट्स में कि कांग्रेस और नौजवान सभा ने, भारत सभा ने मिल्कर मीटिंग्स की, और जी जिससे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था महात्मा गांधी का, उसको ऑब्वियसली उसको सपोर्ट मिलना था। तो ये सपोर्ट तो इसीलिए मिल रहा है नौजवानों का क्योंकि भगत सिंह और उनके साथी एक माहौल बना चुके थे देश में, जिसका फायदा उस पार्टी को मिला जो जो ओपनली सड़क पर एजिटेट करके या आवाज उठा जी के लड़ सकती थी। ये लोग तो अंडरग्राउंड थे ज्यादातर, कुछ लोग जेल में थे, कुछ अंडरग्राउंड थे। बिल्कुल, हमने एक चीज और देखी पिछले साल, आपको याद होगा कि पंजाब की नई सरकार आई थी, तो उस समय ये फैसला किया गया था कि पंजाब की सरकार जो है हर सरकारी दफ्तर में भगत सिंह की फोटो लगाएंगे। तो इस तरह के जो जो कॉस्मेटिक जेस्चर्स होते हैं, इससे भगत सिंह की लेगेसी को कोई कुछ जीने की नहीं, कोशिश करता है, कुछ या नहीं, ये कुछ नहीं, प्योर कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। इलेक्टोरली हार्नेस करने की ये कोशिश तो है? दिस इज वेरी फ्रिवलस, ये तो बड़ा बहुत ही क्या कहना चाहिए कि मतलब ये ऐसा ही कदम है जैसे कि इससे पहले भी उठाए गए, लोग यूज करना चाहते हैं भगत सिंह की शहादत को, विरासत को, और पगड़ी लगा के आपने फोटो लगा जी दिया। भाई भगत सिंह के सर पर आप पगड़ी क्यों लगा रहे हो? जिस आदमी ने पगड़ी उतार दी, आप जी उसको पगड़ी क्यों पहनाना चाहते हैं? भगवंत मान अपने आप को भगत सिंह की शक्ल में देखना चाहते हैं, उसी रंग की पगड़ी पहना रहे हैं जो खुद पहनते हैं। तो ये सब चीज तो जानबूझ के की जा रही है और जिसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा लगता है कि आम आदमी पार्टी चाहे दिल्ली में करे या पंजाब में करे, भगत सिंह के विचारों को आगे बढ़ाए, लेकिन बहुत अच्छी बात है, करें। विचारों को कोई आगे नहीं बढ़ाता, बस चेहरा को आगे लेकिन बढ़ाया जाता है। लेकिन गांधी गांधी दीवारों पर टंगे हैं बरसों से, अब भगत सिंह भी टंगे हैं दीवार पर, तो क्या फर्क पड़ा ना? तो बात यह है कि वो दीवार पर टांगने से तो कुछ होता नहीं ना। वो अंबेडकर को टांग दीजिए, भगत सिंह को टांग दीजिए, जब तक आप भगत सिंह की बात को, भगत सिंह के विचारों को अपने जीवन में, अपनी सरकार में, गवर्नेंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसमें आप शामिल कर सकते हैं छूत अछूत के खिलाफ लड़ाई, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई, गरीब अमीर की दूरी कम करने की बात,
अंतरराष्ट्रीय सोच पैदा करने की बात, मजदूरों किसानों और पीड़ितों की बात करने की बात, जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। तो क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को जो लोग खासतौर से राजनीति में हैं, वो उनको आपके हिसाब से कोई आपके तरफ से कोई सजेशंस हैं कि लोगों के दिल में उतारने के लिए भगत सिंह या फिर बाकी जो हमारे रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट है, सिर्फ भगत सिंह की बात नहीं करें हम, तो आज भगत सिंह के शहादत दिवस पे इस पूरे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के एक खास रोमांटिक ट्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही बड़ा था, तो उनको दिल में उतारने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है और भगत सिंह के रिलेवेंस को कैसे हम पॉपुलराइज कर सकते हैं? सी, स्ट्रेटजी तो बिल्कुल साफ है, उसमें कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको भगत सिंह के विचारों से अवगत कराने के लिए इतना कुछ मटेरियल मौजूद है, आप उसको पढ़ें। आप पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते समय आप भगत सिंह के विचारों को पढ़िए, वो जो मैंने लिखा वो ना पढ़ें, जो भगत सिंह छोड़ गए हैं वो पढ़िए। मैं यह अक्सर कहता हूं कि आप भगत सिंह ने जो लिखा उसको पढ़िए, उसके बाद आके पढ़िए मेरा लिखा हुआ या किसी और का लिखा हुआ। भगत सिंह ने खुद जो लिखा है वो इतना सारा है और इतनी जबानों में मौजूद है कि उसमें आपको कोई कष्ट होगा ही नहीं। बात यह है कि आपको ये मन बनाना पड़ेगा, ये काम बहुत मुश्किल होता है। 23 मार्च को माल्यार्पण करना बड़ा आसान है जी, उसके बाद अगले 23 मार्च का इंतजार करते रहिए। ये हम बरसों से करते रहे, अब हमने 28 सितंबर को भी शुरू कर दिया कुछ साल से, भगत सिंह के जन्मदिन को भी मनाने लगे, लेकिन ये बड़ी सिंबॉलिक चीजें हैं, इनका कोई तो मतलब बस नहीं। वही है कि मंदिर में जाके घंटी बजाने की बात है, तो उससे क्या है, उससे कुछ नहीं होता। तो बात ये है कि जब तक कि आप भगत सिंह को अपने जीवन में आत्मसात नहीं करेंगे, मैं ये भी कहता हूँ बार बार कि अंग्रेजों ने भगत सिंह को एक बार मारा था 23 मार्च 1931 को, हम भगत सिंह को रोज मारते हैं जब हम भगत सिंह के विचारों की अनसुनी करते हैं, जब हम भगत सिंह को नहीं सुनते, भगत सिंह की बात नहीं सुनते, अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश नहीं करते, तब हम भगत सिंह को रोज मारते हैं। तो सब उससे ज्यादा क्राइम तो हम कर रहे हैं। आपने बहुत बड़ी बात की कि हम अंग्रेजों ने तो सिर्फ एक बार भगत सिंह को मारा था, हम लोग तो भगत सिंह की बातों को ना मान के हर रोज मार रहे हैं। हमसे बात करने के लिए इरफान भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि हमारे जो श्रोता हैं वो भगत सिंह को, जैसे इरफान भाई ने हमको राय दी कि सजेस्ट किया कि भगत सिंह को मूल रूप में पढ़ना चाहिए और उनके विचारों को फॉलो करना चाहिए, वही असली भगत सिंह के प्रति हमारे तरफ से उनके प्रति एक रेस्पेक्ट और श्रद्धांजलि होगी। नमस्कार।